मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार सतर्क हो गई है और प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी मार्गदर्शन हेतु जा सकेंगे। सिनेमाघर केवल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। भोपाल में कोरोना संक्रमितों के बढ़े आंकड़ों ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। इस समय रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक लेकर कोरोना को लेकर समीक्षा की, तो शाम को न्यू मार्केट में व्यापारी संगठनों ने बैठक लेकर शनिवार से रात 8 बजे तक दुकानें बंद करने का निर्णय लिया। भोपाल में न्यू मार्केट, लखीरापुरा, कोलार, बिटन मार्केट, इंद्रपुरी आदि व्यावसायिक महासंघों की बैठक न्यू मार्केट में हुई। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शनिवार से मास्क न लगाने पर ₹500 का चालान किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को सभी SDM को अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने का जिम्मा देते हुए टीमें गठित कर दी हैं। शनिवार की शाम 4 बजे ऑनलाइन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक रखी गई है। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना फिर से तेजी से फैल रहा है। अपने प्रदेश के कुछ जिलों में इस सप्ताह तेजी से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। याद रखिए, अभी तुरंत सावधान ना होए तो कोरोना हम सबको संकट में डाल देगा। और इसलिए मेरी आपसे अपील है, प्रार्थना है, कोरोना से बचने के लिए मुंह पर फेस मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बना के रखें, बाजार में भी भीड़ ना होने दें, दुकानदार भी इसका ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। सावधानी में ही सुरक्षा है। प्रदेश के 5 जिलों में पिछले सप्ताह से तेजी से पॉजिटिव केस बढ़े हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, यहां कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए फैसला किया है कि 21 नवंबर की रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू इन शहरों में लगाया जाएगा। रात के 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, जब तक कोरोना के केसेस कम नहीं होती है, कर्फ्यू जारी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान मालवाहक ट्रक कि आवाजाही जारी रहेगी। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स फैक्ट्रियों में जा सकेंगे। हमने यह भी तय किया है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। कॉलेज भी बंद रहेंगे, केवल मार्गदर्शन के लिए छात्र वहां जा पाएंगे। हमने प्रदेश के सभी जिलों में 21 नवंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। जिले के कलेक्टर इन बैठकों को आयोजित करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप आने
वाले समय में विवाह में या अन्य सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में कितनी संख्या शहर में रहेगी, कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला करेंगे। हम ये भी फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे छोड़ रहे हैं कि यदि कहीं किसी मोहल्ले या कॉलोनी में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता है तो वो मोहल्ला या कॉलोनी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा सकेगा और वहां से फिर आना जाना नहीं हो सकेगा। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।